हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल रोमियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में आजकल सभी की जुबान पर एक ही नाम छाया हुआ है, शाओमी शाओमी शाओमी। अब चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर स्मार्ट टीवी। तो भाई, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शाओमी अपने टीवी की कुछ न्यू सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। तो भाई, जैसा भी कुछ अपडेट था वो मैंने आपको पहले दे दिया था। तो आज एक और अपडेट आया है शाओमी के टीवी के बारे में। तो भाई, कुल मिलाकर शाओमी ने कमर कस ली है अपने स्मार्टफोन की तरह अपने स्मार्ट टीवी को लॉन्च करने के लिए। इंडिया में तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसे कि हाल ही में 55 इंच का टीवी लॉन्च किया, डिमांड काफी बढ़ी। तो भाई, ये इंडिया है मेरे भाई, यहाँ पर केवल 55 इंच के टीवी से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर शाओमी को और भी स्क्रीन साइज के टीवी लॉन्च करने पड़ेंगे। तो बस फिर क्या, शाओमी ने पूरी तैयारी कर ली है। तो भाई, जैसा कि मैंने कहा था, शाओमी की कुछ नई सीरीज लॉन्च होने वाली है जिसमें कि आपको तरह तरह के स्क्रीन साइज टीवी के देखने को मिल जाएंगे। तो भाई, सीरीज वो कुछ इस तरह से है, एमआई स्मार्ट टीवी 4C और एमआई स्मार्ट टीवी 4A। मेरे पास में बहुत सारे कमेंट भी आए कि ये टीवी कब तक लॉन्च हो जाएगा। तो भाई, जैसा भी मेरे पास में अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है शाओमी इसे 7 मार्च को अनाउंस कर दे, और 7 मार्च को आपको शाओमी के न्यू स्मार्ट टीवी सीरीज की अवेलेबिलिटी के बारे में भी पता लग जाएगा कि ये कब से मिलना शुरू हो जाएगा। और ऑफकोर्स ये आपको ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर और एमआई स्टोर पर मिलेगा। तो भाई, इंतजार कीजिए 7 मार्च तक का। साथ ही कुछ लीक्स ये भी निकल कर आए हैं कि इन टीवी के कितने प्राइस हो सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बात करें 43 इंच वाले टीवी की, जिसका मॉडल 4C है, वो लास्ट ईयर अक्टूबर में चाइना में लॉन्च कर दिया था, जिसका प्राइस अगर मैं बताऊं इंडिया में कन्वर्ट करके तो तकरीबन 19,000 रुपये था, कुछ डिस्काउंट लगाकर, यानी कुछ 15% के आसपास का डिस्काउंट था। लेकिन देखना होगा कि इंडिया में ये फिक्स कितने प्राइस में लॉन्च होता है। लीक सोर्सेस की माने तो उम्मीद जताई जा रही है कि शाओमी का 43 इंच वाला स्मार्ट टीवी तकरीबन 27,000 से 28,000 रुपए के आसपास हो सकता है। और बात करूं 40 इंच वाले टीवी यानी 40 इंच का एमआई का स्मार्ट टीवी, तो उसकी कीमत तकरीबन 17,000 से 18,000 रुपए के आसपास हो सकती है। और वहीं 32 इंच वाले साइज की कीमत, तो वो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई दी है, आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, यानी इसकी कीमत 11,000 से 12,000 रुपए के आसपास ही होनी चाहिए। तो भाई, ऐसा लगता है कि शाओमी ने पूरी तरह से सोच लिया है कि इंडिया में भी सभी लोगों को पूरी तरह से स्मार्ट बनाकर ही छोड़ेगा, क्योंकि शाओमी एक ऐसा है जिसने सभी स्मार्टफोन की धज्जियां उड़ा दी और अपने स्मार्टफोन बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ में कम प्राइस में भारत में धड़ल्ले से बेचे। और अब आ गई टीवी की बारी, हो सकता है आपको हर घर में एमआई का स्मार्ट टीवी देखने को मिल जाए आगे चल के। तो वेल गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय। What?